हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन है कि सर हमें गैटबी का फॉर्म फिल करना है, लेकिन हमें एग्जैक्टली फीस कितनी पे करनी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है वहां पर गैटबी की अलग से फीस रखी है, बेट की अलग से फीस रखी है, एंड गैटबी एंड बेट दोनों की अलग से फीस रखी है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको कौन से एग्जाम को अपीयर होना है, पहले वो आप डिसाइड करिए। आपको सिर्फ गैटबी का फॉर्म भरना है या आपको बेट का भी फॉर्म भरना है? अगर मेरी मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सिर्फ गैटबी को अच्छे से फोकस करना चाहिए। जो एमएससी पास आउट स्टूडेंट है या एमएससी अपीयरिंग स्टूडेंट है उनको डीबीटी के लिए जाना चाहिए, और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन वाले है, लास्ट ईयर में अपीयरिंग है ग्रेजुएशन के, उनको जाना चाहिए गैटबी के लिए। तो आपको अगर गैटबी का फॉर्म भर रहे तो फीस कितनी आ रही है उसकी, वो आपको सीधा से बताएंगे। सर एक बार बताइए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बेटा, फी पेबल फॉर गैटबी 2022 सेम ऑफ एग्जामिनेशन गैटबी का ही है। बिल्कुल, यहाँ पे फोकस रखना है जनरल ऑब्लिक ओबीसी ऑब्लिक ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आपके पास ओबीसी एनसीएल से हो आप या आप ईडब्ल्यूएस से हो, आपके पास इन तीनों के सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो आपके लिए फीस लगने वाली है बेटा 1200 रुपए। उसके अलावा अगर आप एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फीस लगने वाली है 600 रुपए। तो आपकी हो गई फीस कैटेगरी वाइज। और आपको पेमेंट करनी कैसे है बेटा, ये सारे मोड एक्सेप्टेड है, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, और सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है UPI का, आप UPI से भी कर सकते हो, एंड देन पेटीएम वॉलेट वगैरह या फोन पे वॉलेट अगर आपके पास पैसा पड़ा है वहां से भी कर सकते हो। उसके अलावा जो है थोड़े बहुत सर्विस चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेस अलग अलग बैंक के अलग अलग रहते हैं, उसमें कोई नहीं 10-12-20 रुपए लगता है एक्स्ट्रा। मेन फीस आपकी बेटा यही है 1200 और 600, ठीक है, आपकी फीस। अब सर बताएंगे आपको सीट्स कितनी है। ये देखो यहां पर आप देख रहे हो, ये आपके पास दो एग्जाम है, एक तो एग्जाम आपका दे रखा है, एक है आपका ये गैटबी और दूसरा है बेट। अब गैटबी का फीस आप देख रहे हो 1200 है फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और बेट का भी 1200 रुपए है। सीट नहीं, फीस ही सर, ये एससी एसटी पीडब्ल्यू इसका भी है 600 और इसका भी है 600। लेकिन जब दोनों भी एग्जाम्स के लिए आप फॉर्म भरते हो, गैटबी एंड बेट बोथ 2022, तो आपका फीस आता है 2400 रुपए और यहां पर आता है 1200 रुपए, ठीक है। बट यहां पर अगर पर्सनली मेरी कोई चॉइस पूछता है तो जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है दे शुड गो फॉर ओनली गैटबी। बेट का सिलेबस थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आपको और करनी पड़ेगी बेट के लिए, तो गैटबी के लिए जाओ 1200 रुपए फीस भरो, एससी एसटी पीडब्ल्यू के 600 रुपए। अगर आप बेट का भी फॉर्म भरना चाहते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी भर सकते हो, तो ये 2400 रुपए और 1200 रुपए यहाँ पर आएगी आपकी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है। तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, आप अगर ग्रेजुएशन में हो बेटा आपको गैटबी फोकस करना चाहिए, क्योंकि गैटबी से ही उनको अच्छी अच्छी जगह पर एमएससी के लिए एडमिशन मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का सर यही था हमारा पर्पज, तो ये सेशन हमारा इतना ही था सर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता था बच्चों को कि ऐसा हो जाए कि क्या भरना है कैसे भरना है, तो हमने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सर क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, गैटबी के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो फटाफट अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ पाए और तुरंत 3-4 मिनट की शॉर्ट वीडियो देख के अपने आप को आप इंफॉर्मेटिव बना पाओ, तुरंत फटाफट फॉर्म भर पाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।